जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त श्री कृष्ण। आज बात कर लेते हैं सावन में पड़ने वाले प्रदोष की। सावन माह में यूं तो प्रदोष का वैसे बेहद महत्व है। पूरे वर्ष प्रदोष का व्रत करने से या प्रदोष काल में पूजा करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है, परंतु यदि सावन में आपने पूरे वर्ष नहीं भी किए लेकिन सावन में जो प्रदोष पड़ेंगे उस दौरान यदि आप प्रदोष का व्रत रखते हैं अथवा प्रदोष की कथा सुनते हैं तो आपके भोलेनाथ की कृपा मिलती है, आपकी बहुत सारी उलझने दूर हो जाती हैं। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने सभी भक्तों के दिन फेरते हैं। अतः सावन मास में अथवा किसी भी मास में आप प्रदोष का अगर व्रत रखते हैं तो प्रदोष की कथा अवश्य श्रवण करें। कहा जाता है कोई भी व्रत कथा के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, और यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं केवल पूजा कर आप भगवान की कथा का श्रवण कर लेते हैं तो आपकी सकल मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसती है। बोलो शंकर भगवान की जय। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सावन माह में प्रदोष व्रत कथा जरूर सुनिए और इस तरह के तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।